सो so, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्योर व्हाई इज एजुकेशन सो इम्पॉर्टेंट जी हाँ दोस्तों हमें कहा जाता है कि आप जब स्कूल में जाते हैं या अपने कॉलेज में जाते हैं तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइफ बदलेगी अगर हम टेक्निकली देखना जाए तो जो कुछ भी हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है हमारे अर्न करने में उसका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं होता अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेंगे तो मेरा जो यू नो बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग वॉज एन इंजीनियर अंप्यूटर इंजीनियर और दोस्तों आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ उसका इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है आई प्रोबली लेटर रियलाइज इन माई लाइफ दैट वेरी गुड एट मैनेजमेंट एंड दैट इज वेन आई डिसाइडेड कि मुझे तीन एम बी ए और एक डॉक्टरेट डिग्री मैनेजमेंट में करनी है अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरे लाइफ में जो कुछ भी कर रही हूं इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है तो ये सही होगा बट एट द सेम टाइम दोस्तों जिस ग्राइंड से मैं इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में गुजरी जिस स्ट्रगल से गुजरी उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हुई सो एजुकेशन इवन इफ इट डज नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू द वे यू मेक योर मनी स्टिल इट हेल्प्स यू टू ग्रो एज अ पर्सन एंड दस एजुकेशन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट अब दोस्तों मुझे ऐसा महसूस होता है कि एजुकेशन जो है वो हमारे ज़िंदगी के चार पैरामीटर्स पे बहुत ही ज़्यादा अप्लीकेबल होता है या बहुत ही ज़्यादा उस एजुकेशन का इन चार पैरामीटर्स पे इंफ्लुंस होता है और ये चार पैरामीटर्स है पर्सनल कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिकल क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी इन्फ्लुएंसेस हमारे लाइफ में हमारे स्कूल और कॉलेज में यू uh, नो you know, हम पे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एंड दस एजुकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट सो आइए आगे हम देखते हैं फैक्टर नंबर वन दैट इज पर्सनल एजुकेशन की वजह से दोस्तों पीपल आर ऑट टू एंगेज नॉट ओनली इन दट पर्सनल लाइफ बट ऑल्सो द वर्ल्ड दैट इज आउटसाइड जोन स्टूडेंट्स जो होते हैं ना दोस्तों वो प्रैक्टिकली किसी एक कैटेगरी में नहीं होते शेप साइज इंटेलिजेंस की वजह से हर बच्चे का हर स्टूडेंट का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है अपनी एबिलिटी होती है अपनी पर्सनालिटी होती है हर स्टूडेंट का एक अलग एप्टीट्यूड होता है जिसके वजह से उसकी समझने की क्षमता या समझी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता ये अलग अलग होती है

नालंदा जहाँ जनरेशन टू जनरेशन एजुकेशन नॉलेज और कल्चर जो है वो प्रोग्रेस होते रहा है बेसिकली देर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ कल्चर बट द मोस्ट बेसिक वन इज द वैल्यूज एंड द फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर दैट एक्चुअली कैटेगराइज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स अगर मैं एक हिंदू हूँ तो कल्चरली मैं हिंदुज़म फॉलो करूँगी My culture would be different from somebody who practices Islam or Christianity. And this is the culture that we give to our next generation. And that happens only through education. For some people, education ka hai hota hai, to preserve their culture and to transfer their values to the next generation. While speaking about school, lagta hai ki cultural priorities. Honi priority number one, to help the student to understand their own culture. priority number two, to help the student to understand others' culture. and priority number three, to help the student to understand that you need cultural tolerance. you need to learn to coexist with different, different cultures and respect and value them as well. हमारा नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री दोस्तों दैट इज इकोनॉमिक एजुकेशन दोस्तों बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हर दिन हमारे सामने कुछ नया होता है और ऐसे परिस्थिति में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर इकोनॉमिक्स वेल टू अंडरस्टैंड योर फाइनेंस वेल क्योंकि अगर ये चीज आपको स्कूल में सिखाई जाएगी तो जब आप स्कूल के बाहर निकलेंगे एंड वेन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब

कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है वो से नहीं सिखाया जाता पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग वॉट दे नीड टू डू विदे वेन दे आर इन देर अर्लीज सो यू ऑलरेडी वेस्टेड गुड पैन ऑफ ए डेट ऑल्सो आई विंग सेड दैट दोस्तों वेन यू आर इन योर ट्वेंटीज पीपल डो नॉट एक्सपेक्ट यू टू यू नो सेव मनी यू डू नॉट हैव अ फैमिली टू फीड यू डू नॉट है फॉर राइट बिकॉज यू आर नॉट अर्निंग दैट मच तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अगर आप सेव करते हैं अगर आप एस आई पीज में इन्वेस्ट करते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जो कि आप लेवरेज तभी कर सकते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज स्कूल और कॉलेज लेवल से ही हो एंड फाइनली दोस्तों लास्ट पॉइंट इज इज सोशल सोशल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया दोस्तों मैंने एक बिचवी बुक पढ़ी थी इकाई इक uh, वो एक जापनीज फिलोसॉफी पे बुक है दोस्तों जहाँ के उसका एक कंसेप ये कहता है कि बच्चों को बचपन से ही यू uh, नो you know, हर बच्चे के कुछ चार दोस्त होते हैं लाइक देयर एक्सटेंडेड फैमिली and not only in their school, but throughout their college and throughout their life, they will keep a check on you. you know is everything fine? kya kisi cheez क्या किसी चीज़ hai आपको ज़रूरत है har ऐसे ही हर बच्चे की एक बच्चे के चार ki होंगे जो कि उसके एक्सटेंडेड फैमिली की तरह बिहेव करेंगे अगेन उन चारों बच्चों के भी चार अलग लोग होंगे जो कि उनके एक्सटेंडेड फैमिली की तरह बिहेव करेंगे जिसके वजह से उनका जो सोशल बिलोंगिंगनेस है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग एंड आई रियली बिलीव दैट यू नो सम ऑफ दिस सॉर्ट शुड स्टार्ट इन आर स्कूल्स एंड कॉलेज एज वेल बिकॉज इसका बेनिफिट ये है कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि वो बचपन से होते हैं यू लर्न द आर्ट ऑफ शेयरिंग यू लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी Education plays a very important role. The empowerment of an individual has to be balanced by practicing the values of compassion and responsibility of a collective life and thus democracy as well. So Dosto tha humara aaj ka video on how education can be implemented in your life. How education is important in your life. हाउ एजुकेशन पर्सन ऑन एन होल अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है मोटिवेट करता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू तो आवर चैनल क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री में है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है